तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रैमबो फ्रेंचाइजी की अगली मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं रैमबो सिक्स के बारे में जी हाँ दोस्तों बहुत दिनों से इसका इंतज़ार चला आ रहा है और उस फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी हमें दो हज़ार उन्नीस में देखने को मिली थी उसके बाद एक भी मूवी हमें नहीं देखने को मिली है और कन्फर्म हो चुका है इसके सिक्स पार्ट के बारे में जो जो जानकारी अभी निकल कर आई है वो मैं आपको बताऊँगा वैसे तो कन्फर्म है कि छठा पार्ट हमें देखने को मिलेगा लेकिन कब तक ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा निर्देशित दो शून्य एक नौ की अमेरिकी एक्शन फिल्म है पटकथा डैंग गॉर्डन और स्टेलोन की कहानी से मैथ्यू सिरुलनिक और सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा सहलिखित थी और यह लेखक डेविड मॉरियल द्वारा उनके उपन्यास फर्स्ट ब्लड के लिए बनाए गए चरित्र जॉन रेमबो पर आधारित है रेमबो दो की अगली कड़ी यह रेम्बो फ्रेंचाइज की पांचवीं किस्त है और इसमें स्टेलोन रेम्बो की भूमिका में हैं। उनके साथ पास वेगा, सर्जियो पेरिसमेंचेटा एडियाना बैराजा यवेटे मोन्ियल जिनी किम उर्फ येनाहान जोक्विन कोसियो और ऑस्कर जेनाडा हैं फिल्म में रेम्बो अपनी गोद ली हुई भतीजी को बचाने के लिए मैक्सिको की यात्रा करता है जिसे मैक्सिकन कार्टेल द्वारा अपहरण कर लिया गया है और वेशवृत्ति में मजबूर किया गया है 2008 के बाद से पांचवीं फ़िल्म की योजना की बार बार घोषणा की गई विभिन्न पुनरावृत्तियों को विकसित और रद्द किया गया फ़िल्म की अंत मई 2018 में घोषणा की गई जिसमें ग्रुमबर्ग निर्देशन से जुड़े थे मुख्य फ़ोटोग्राफ़ी अक्टूबर 2018 में बुल्गारिया और स्पेन में शुरू हुई और दिसंबर 2018 में समाप्त हुई मई 2019 में अतिरिक्त फ़ोटोग्राफ़ी के साथ ब्रायन टायलर फ़िल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए रेम्बो लास्ट ब्लड को 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था इसकी पटकथा लेखन ग्राफिक हिंसा और मेक्सिको के प्रति नस्लवादी और जेनोफोबिक रवैये के आरोपों के साथ आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन एक्शन दृश्यों और स्टैलोन के प्रदर्शन को उनकी वापसी के लिए प्रशंसा मिली मुख्य भूमिका नौ दस फ़िल्म ने 50 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट और 30 मिलियन डॉलर की प्रिंट और विज्ञापन लागत के मुकाबले दुनिया भर में इक्यानवे मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी एरिजोना में रहते हैं जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बेल्ट्रॉन और उनकी पोती गैब्रियला के साथ प्रबंधित करते हैं वह उन्हें बताती है कि उसकी दोस्त गिजेल को गैब्रियला के मृत पिता मैनुअल मैक्सिको में मिला था उनके विरोध के बावजूद गैब्रियला गुप्त रूप से मैक्सिको की यात्रा करती है जहां गिजेल उसे मैनुअल के अपार्टमेंट में ले जाती है जब वह उससे पूछती है कि उसने गैब्रियला और उसकी मां को क्यों छोड़ दिया तो उसने क्रूरता से खुलासा किया कि उसने कभी भी उनमें से किसी की परवाह नहीं की गिजेल दुखी गैब्रियला को पास के एक क्लब में ले जाती है जहां मैक्सिकन कार्टेल के प्रवर्तकों द्वारा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर लिया जाता है गैब्रियला के लापता होने के बारे में जानने के बाद रेम्बो मैक्सिको चला जाता है और गैब्रियला के ठिकाने के बारे में मैनुअल और गिजेल दोनों से पूछताछ करता है गिजेल अनिच्छा से रेम्बो को उस क्लब में ले जाती है जहां गैब्रियला को आखिरी बार देखा गया था और रेम्बो का सामना एल फ्लैको से होता है जिसने आख़िरी बार गैब्रियला से बात की थी एक रहस्यमय महिला कार्मेन डेलगाडो रेम्बो का पीछा करती है क्योंकि एल फ्लैको उसे गैब्रेला के कथित स्थान पर ले जाता है भाइयों ह्यूगो और विक्टर मार्टिनेज के नेतृत्व वाले कार्टेल द्वारा रेम्बो का सामना किया जाता है उसे पीटा जाता है और उसे चिन्हित किया जाता है वे उसके ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं जिसमें खेत के स्थान और गैब्रेला की एक तस्वीर का खुलासा करते हैं जिसे विक्टर पहचानता है रेम्बो के कार्यों के कारण कार्टेल गैब्रियला के साथ और अधिक दुर्व्यवहार करने की कसम खाता है कार्मेन रेम्बो को वापस अपने घर ले जाती है जहां वह उसकी तब तक देखभाल करती है जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता इस बीच गैब्रियला को बार बार हेरोइन की खुराक दी जाती है और यौन गुलामी के लिए बेच दिया जाता है कार्मेन का कहना है कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो मार्टिनेज भाइयों की जांच कर रही हैं जिन्होंने उनकी बहन का अपहरण और हत्या कर दी थी बाद में रेम्बो ने एक वेशालय पर छापा मारा और कई लोगों को मार डाला जब तक कि उसे नशे में धुत गैब्रियला नहीं मिल गई घर जाते समय रेम्बो पिछले दस वर्षों से उसे आशा और अर्थ देने के लिए गैब्रियला को धन्यवाद देता है लेकिन ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो जाती है क्रोधित रेम्बो ने मारिया को दूर भेज दिया टकराव के लिए खेत को मूर्ख जाल से घेर लिया और बाद में विक्टर को खोजने में कार्मेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट आया कार्मेन ने शुरू में मना कर दिया रेम्बो से कहा कि इससे कुछ हल नहीं होगा लेकिन उसके दुख और निराशा के लिए अपील करने के बाद वह आश्वस्त हो गई रेम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा गार्डों को मार डाला और विक्टर का सिर धर से अलग कर दिया प्रतिशोध में ह्यूगो हिटमैन के एक समूह को रेम्बो के खेत में ले जाता है जहां प्रत्येक बूबी ट्रैप का शिकार हो जाता है अंत में ह्यूगो को बचाते हुए रेमबो अपने बोवी चाकू का उपयोग करता है उसकी छाती को चीरता है और उसके दिल को चीर देता है इसके बाद कमजोर रेमबो अपने पिता के घर के बरामदे पर बैठ जाता है और लड़ाई जारी रखने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है क्रेडिट के दौरान पिछली फिल्मों में रेमबो की लड़ाइयों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें रेमबो अपने घोड़े पर काठी बांधता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है कास्ट करें मुख्य लेख रेम्बो पात्रों की सूची जॉन रेम्बो के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन कार्मेन डेलगाडो के रूप में पास वेगा ह्यूगो मार्टिनेस के रूप में सर्जियो पेरिसमेंचेटा मारिया बेल्ट्रान के रूप में एडियाना बराजा गैब्रियला बेल्ट्रान के रूप में येवेटे मोनरियल जिनी किम उर्फ येनाहान बार संरक्षक के रूप में डॉन मैनुअल के रूप में जोकिन कोसियो पास्कासियो लोपेज एल फ्लाको के रूप में विक्टर मार्टिनेज के रूप में ऑस्कर जेनाडा गिजेल के रूप में फेनेसा पिनेडा मैनुअल के रूप में मार्को डेला ओ, डॉन मिगुएल के रूप में रिग सिंगेल डॉ सर्जियो के रूप में मैनुअल उरिजा लोला लोरा के रूप में मिर्का प्रीतो एलेजांद्रा के रूप में शीला शाह बेकी के रूप में जेसिका मेडसेन मैनुअल की पत्नी के रूप में उर्सुला मुरायामा वहाइट मैन वैशाले के रूप में ल्यूबोमे निकोव विस्तारित कट के शुरुआती दृश्य में लुई मैंडलोर और आरोन कोहेन ने क्रमशः शेरिफ और राज्य पुलिस कप्तान की भूमिका निभाई उत्पादन फरवरी 2008 में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने खुलासा किया कि पांचवीं फिल्म बनाना चौथी फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा उन्होंने कहा कि वह एक तैयारी कर रहे थे और यह काफी अलग होगी ग्यारह मार्च दो में स्टेलोन ने खुलासा किया कि वह रेम्बो वी लिखने का काम आधे अधूरे तरीके से कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह एक और युद्ध फिल्म नहीं होगी जिसमें बुल्गारिया को एरिजोना में रेम्बो के घर के रूप में भी माना जाता है बारह तेरह चौदह फरवरी 2009 में स्टैलोन ने खुलासा किया कि वह पांचवीं फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने कहा संघर्ष यह है कि इसे अमेरिका में किया जाए या किसी विदेशी देश में 15 अगस्त 2009 में मिलेनियम फिल्म्स ने स्टेलोन के लेखन निर्देशन और अभिनय के साथ फ़िल्म को हरी झंडी दे दी उस समय कथानक अमेरिका मेक्सिको सीमा के पास अपहरित एक युवा लड़की को बचाने के लिए मानव तस्करों और ड्रग माफ़ियाओं से जूझ रहे रेम्बो पर केंद्रित था सोलह सितंबर दो में स्टेलोन ने खुलासा किया कि फ़िल्म का नाम रेम्बोवी द सेवेज हंट था और यह जेम्स बायन हगिन्स के उपन्यास हंटर पर आधारित होगी रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कथानक को फिर से तैयार किया गया था जो एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर प्राणी का शिकार करने और उसे मारने के लिए एक विशिष्ट विशेष बल की हत्या टीम का नेतृत्व कर रहा था सत्रह न्यू इमेज मिलेनियम फिल्म्स ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्टर और द सेवेज हंट का आधिकारिक सारांश जारी किया 18 हालांकि नवंबर 2009 तक कथानक स्टेलोन द्वारा लिखी गई कहानी पर वापस आ गया था जिसमें रेम्बो का अपहरण कर ली गई एक लड़की को बचाने के लिए मैक्सिकन सीमा पार करना शामिल था 19 मई 2010 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को पूरा कर लिया है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि रेम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ होगा मुझे लगभग निन्यानवे यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी बालबोआ के साथ वह किरदार पूरा हो गया वह घर चला गया लेकिन रेम्बो के लिए एक और साहसिक कार्य पर जाना मुझे लगता है एक भाड़े के इशारे के रूप में गलत समझा जा सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता घटित होना बीस 20, 2010 के कांस फिल्म फेस्टिवल में मिलेनियम फिल्म और नू इमेज ने एंड आउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया जिसका नाम अब है 21 इसके बावजूद स्टेलोन ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टरों में शामिल नहीं थे और स्टूडियो ने उनसे कहा था कि यदि वह फ़िल्म नहीं बनाते हैं तो वे इसे पूरा करने के लिए किसी और को भूढ़ लेंगे उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ़्रेंचाइजी खत्म हो जाए और उन्होंने इस विचार से सहजता व्यक्त की ट्वेंटी ट्यू दो हज़ार ग्यारह में शॉन हूड को रेम्बो लास्ट स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने फर्स्ट ब्लड के छोटे शहर की थ्रिलर के अनुरूप बताया तेईस दो में हुड ने खुलासा किया कि स्टेलोन द्वारा द एक्सपेंडेबल्स दो को खत्म करने के लिए रेंबो वी को रोक दिया गया था हुड ने इस बात पर भी अपनी अनिश्चितता प्रकट की कि क्या फिल्म अनफॉर्गिवेनिया पासिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी 24 अगस्त 2013 में यह घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और न्यू इमेज स्टेलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास और निर्माण करेंगे 25 जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी स्प्लेंडेड फिल्म्स ने पुष्टि की कि स्टेलोन ने रेमबो वी के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है जिसे उन्होंने नो कंट्री फ़ॉर ओल्ड मैन के समान बताया छब्बीस सितंबर दो में फ़िल्म का आधिकारिक नाम रेम्बो लास्ट ब्लड रखा गया जिसमें स्टेलोन भी निर्देशक के रूप में कार्यरत थे 27. सेवन दो में स्टेलोन और रेम्बो निर्माता लेखक डेविड मॉरेल ने रेम्बो वी के लिए कहानी फिर से लिखी स्टेलोन उस किरदार के लिए एक भावपूर्ण यात्रा चाहते थे जिसे लेखक ने वास्तव में भावनात्मक शक्तिशाली कहानी बताया है स्टेलोन ने यह विचार निर्माताओं के सामने रखा लेकिन वे इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और स्टेलोन और मॉरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया अट्ठाईस अक्टूबर 2015 में स्टैलोन ने एक प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा यह पता लगाना दिलचस्प है कि लोग कैसे और क्यों बन गए हैं वियतनाम में होने के आघात हानि और त्रासदी निश्चित रूप से होगी एक युवा अभिनेता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और यह विडम्बना ही होगी कि रेमबो बीस वर्षों से अधिक समय तक अभिनय करने के बाद युवा रेमबो का निर्देशन करता है उनतीस जनवरी दो तक स्टेलोन ने कहा कि रेम्बो वी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा थर्डी प्रोडक्शन मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेम्बो वी के रूप में विकसित करने की फिर से घोषणा की गई जिसमें मुख्य फोटोग्राफी सितंबर में निर्धारित की गई थी इस बात की पुष्टि की गई थी कि यह साजिश रेम्बो पर केंद्रित थी जो अपने परिवार के एक सदस्य के अपहरण के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से मुकाबला कर रही थी इकतीस स्टेलोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की जिसमें वह मैथ्यू सिरुनिक के साथ सहलेखन भी करेंगे उस समय उन्होंने निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी बत्तीस तैंतीस अगस्त 2018 में एड्रियन ग्रुनबर्ग को निदेशक के रूप में घोषित किया गया था चौंतीस सितंबर 2018 में एड्रियाना बैराजा को कलाकारों में जोड़ा गया पैंतीस अक्टूबर 2018 में पाज वेगा छत्तीस येवेटे मोन्ड्रियल सैंतीस सर्जियो पेरिसमेंचेटा अड़तीस ऑस्कर जेनाडा और जोक्विन कोसियो उनतालीस को कास्ट किया गया मई 2019 में लुई मैंडिलोर शीला शाह दिमित्री वेगास और जिनी किम उर्फ येनाहान को बिना किसी पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ था फोर्डी 41, वन फोर्डी फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बुल्गारिया में शुरू हुई तैंतालीस चवालीस पहले यह एक सितंबर 2018 को शुरू होने वाला था पैंतालीस छियालीस और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 हजार चौदह को श्रेविपोर्ट लुइसियाना में सैतालीस अड़तालीस बैराजा ने अपने दृश्य टेनेरिफ कैनरी द्वीप में फिल्माए 35 ब्रायन टायलर जिन्होंने रेमबो और द एक्सपेंडेबल स्त्रे पर स्टेलोन के लिए रचना की रेमबो लास्ट ब्लड स्कोर करने के लिए लौट आए टाइलर ने ड्रेड सेंट्रल के साथ अपनी स्कोरिंग प्रक्रिया साझा की रेम्बो लास्ट ब्लड एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और संगीत को उस स्वर को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जिसे निर्देशक एड्रियन ग्रुनबर्ग ने इतनी खूबसूरती से सेट किया है एने हार्दिक और भावुक विषयों की एक श्रृंखला लिखी है जो परिवार न्याय न्याय और करुणा के लिए रेमबो की लालसा को प्रतिध्वनित करती है इन विचारों ने एक तानवाला तनाव पैदा किया जो एक संगीतकार के रूप में चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद दोनों था रसीले तार विशाल पीतल गड़गड़ाहट गर की थाप नाज़ुक पियानो और कष्टप्रद तुरही युगलहानी, अफसोस आशा और प्रतिशोध के विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं इस कालजयी चरित्र के लिए रचना करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है मई 2018 में मिलेनियम फिल्म रुचि और बिक्री उत्पन्न करने के लिए इस परियोजना को कांस में लेकर आई बत्तीस स्टेलोन ने सत्यापित किया कि जैसे ही फिल्म रिलीज के करीब आएगी वह अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से तस्वीरें और वीडियो साझा करेंगे तिरपन चवन फरवरी 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के गोद लिए हुए परिवार पचपन युद्ध इतिहास छप्पन और चरित्र गैब्रेला के अपने पिता को खोजने के लिए मैक्सिको की यात्रा करने के इरादे की तस्वीरें साझा की सत्तावन मार्च 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से रेम्बो की खून से लथपथ और उसके हस्ताक्षरित धनुष पर निशाना साधते हुए एक तस्वीर का खुलासा किया 58 मई 2019 में यह पता चला कि स्टेलोन 24 मई 2019 को पैलेस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष फर्स्ट लुक स्क्रीनिंग के साथ मेल खाने के लिए कांस में विशेष छवियां प्रस्तुत करेंगे उनसठ पहला ट्रेलर था 24 मई 2019 को कांस में खुलासा किया गया साठ टीजर ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था इकसठ और इसकी तुलना लोगान और अम्फर्गवेन से की गई बासठ टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड गाने का रिमिक्स संस्करण इस्तेमाल किया गया था तिरसठ एक अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया चौंसठ बीस 20 अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया पैंसठ चार सितंबर 2019 को अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा की कि वह रेम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी पांच रेम्बो फिल्मों की मैराथन की मेज़बानी करेगा छियासठ डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि पी एएनडे लागत 30 मिलियन डॉलर से कम थी फोर नाट्यशास्त्रीय रेम्बो लास्ट ब्लड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था सड़सठ दादी ने चीनी वितरण अधिकार खरीदे और आठ आंकड़ा सवित पोषण सौदे पर सहमति व्यक्त की अड़सठ 30 जुलाई 2019 को एमपीए ने फिल्म को आर रेटिंग दी उनहत्तर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 में वर्गीकृत किया सत्तर यह फिल्म 26 जून 2020 को गागा कॉरपोरेशन द्वारा जापान में नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी 71 वन अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लायंस गेट ने रेम्बो, लास्ट ब्लड के दो अलग अलग नाटकीय कट जारी किए जो देश के अनुसार अलग अलग थे संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में फिल्म नवासी मिनट तक चलती है ऑस्ट्रेलिया मैक्सिको स्वीडन ब्राज़ील फिनलैंड जर्मनी बेहत्तर और जापान इकहत्तर में यह 101 मिनट चलती है बाद वाले संस्करण में कई हटाए गए दृश्य और एक वैकल्पिक उद्घाटन शामिल है जो लगभग 10 मिनट चलता है यह बचाव के बीच में एक तूफानी बारिश में शुरू होता है तीन लापता पैदल यात्रियों को बाढ़ में फंसने का खतरा है पुलिस का कहना है कि उन्हें तलाशी रोकनी होगी क्योंकि यह बहुत खतरनाक होती जा रही है और पूछना होगा कि घोड़े पर सवार स्वयंसेवक कहा है फिर हमें जंगल में पैदल यात्रियों पर नज़र रखने वाले रेम्बो से मिलवाया जाता है वह एक लड़की को मृत पाता है और फिर नीचे अन्य दो को पाता है वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक आदमी अपनी पत्नी के बिना नहीं जाएगा रेम्बो उसे बताता है कि वह मर चुकी है लेकिन वह भाग जाता है बाढ़ का पानी नीचे की ओर बहने लगता है और रेम्बो खुद को और लड़की को एक चट्टान से बांध देता है जबकि पानी का शुरुआती प्रवाह उनके ऊपर से गिरता है फिर वह लड़की के साथ बेस पर लौटता है और उस लड़के को देखता है जो अपना बॉडी बैग एम्बुलेंस में लादकर भाग गया था जिससे उसका पीटीएसडी शुरू हो गया लड़की उसे धन्यवाद देती है और रेमबो घर लौटता है और घर में रहने वाली बूढ़ी महिला के साथ बातचीत करता है वह कब लौटे और कैसे उनके पिता बाहर रॉकिंग चेयर पर बैठते थे फिर वह घटनाओं से स्पष्ट रूप से परेशान होकर सुरंगों में चला जाता है और द डोर्स पर एक सी डालता है जब उसके पास सुरंगों में पीटीएसडी फ्लैशबैक होता है तो यह मृत यात्री के साथ जुड़ा होता है थ्री वैकल्पिक शुरुआत के बाद फिल्म रेम्बो को उसके खेत में ले जाती है क्योंकि यह चुनिंदा उत्तरी अमेरिकी देशों और यूके में शुरू होती है सेवेंटी थ्री होम मीडिया रेमबो लास्ट ब्लड को 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और लायंस गेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा एच डी ब्लूरे ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बेस्ट बाय ने चार के यूएचडी रिलीज के लिए एक रिटेल एक्सक्लूसिव स्टील बुक जारी की चौहत्तर यह फिल्म कई हफ्तों तक रेडबॉक्स के डिस्क रेंटल और ऑन डिमांड चार्ट में शीर्ष पर रही है पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जिसका शीर्षक रेम्बो लास्ट ब्लड एक्सटेंडेड कट है मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था अठहत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डीवीडी ने 10 डॉलर मिलियन कमाए और ब्लू रे ने घरेलू वीडियो बिक्री से 16.6 मिलियन डॉलर कुल मिलाकर 26.6 मिलियन डॉलर की कमाई की 79 स्वागत बॉक्स ऑफिस रेम्बो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चवालीस दशमलव आठ मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में छियालीस दशमलव सात मिलियन डॉलर की कमाई की साथ ही दुनिया भर में कुल पंचानवे दशमलव एक मिलियन डॉलर की कमाई की जबकि इसका उत्पादन बजट पचास मिलियन डॉलर था फाइव संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एड एस्ट्रा और डाउंटन एबे के साथ रिलीज किया गया था और अपने शुरुआती सप्ताहांत में तीन थिएटरों थियेटरों से तेईस पच्चीस मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था अस्सी फिल्म ने शुक्रवार को 7.17 मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के 1.3 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं इक्यासी इसने पहली बार 19 मिलियन डॉलर की कमाई की तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला की दूसरी सबसे अच्छी शुरुआत रही चार फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में आठ मिलियन डॉलर और तीसरे में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की और क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रही एडी 83। एडी थ्री आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को एक समीक्षाओं के आधार पर 26 परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग चार बटा दस है साइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में कहा गया है इसके पहले के सीक्वल की तरह रेम्बो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मार्मिक कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में शामिल होने के लिए तैयार है चौरासी मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 26 का स्कोर दिया जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है पचासी सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जबकि ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने इसे औस्तन पांच में से तीन दशमलव पांच स्टार और छप्पन परसेंट निश्चित अनुशंसा दी फोर रेम्बो चरित्र के चित्रण को जांच के दायरे में रखा गया था लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए लिखते हुए केनेथ तुरान ने फिल्म को चार में से तीन स्टार दिए और कहानी में रेमबो की आश्चर्यजनक रूप से चिंतनशील परीक्षा की सराहना की निश्चित रूप से रेमबो आश्वस्त है जब वह बुरे लोगों से कहता है ऐ जा रहा हूँ तुम्हें बहुत बुरा दुख पहुँचा है लेकिन एक प्रकार की कमजोरी भी है जो हमें इस बात को लेकर चिंतित करती है कि लोग उसे चोट पहुँचाएंगे छियासी पीटर डेब्रूज ने वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी यह चरित्र विरोधाभासों का मिश्रण है जो एक तरफ उस स्थायी क्षति का प्रतिनिधित्व करता है जो सैन्य सेवा किसी की आत्मा को कर सकती है साथ ही यह भी सुझाव देती है कि आदर्श सैनिक कैसा दिखता है एक आईजीएन के लिए फ़िल्म को 10 में से 4.5 रेटिंग देते हुए विटनी सीबोल्ड ने अफ़सोस जताया एक चरित्र जिसे मूल रूप से उस नुकसान के प्रतीक के रूप में खड़ा होना था जो युद्ध एक सैनिक को पहुंचा सकता है अब उसे एक अजय मानव मशीन गन के रूप में याद किया जाता है लेकिन स्टेलोन को भागी वारंट के अनुसार भावपूर्ण प्रदर्शन देने के लिए प्रबंधन का श्रेय दिया 87. कांस 2019 के दौरान स्टेलोन ने कहा कि अगर पांचवीं फिल्म सफल होती है तो वह रेम्बो का किरदार निभाना जारी रखेंगे 110. हालांकि ग्रुमबर्ग ने कहा कि रेम्बो लास्ट ब्लड सर्कल को बंद कर देता है उम्मीद है कि यह फ़िल्म श्रृंखला का समापन करेगा 111. सितंबर 2019 में स्टेलोन ने पुष्टि की कि उनके पास श्रृंखला के प्रीक्वल की योजना है हालांकि वह शीर्षक भूमिका दोबारा नहीं निभाएंगे लेकिन वह यह जानना चाहेंगे कि वियतनाम युद्ध से पहले रेमबो कौन था मैं हमेशा रेमबो के बारे में सोचता था जब वह सोलह या सत्रह साल का था मुझे आशा है कि वे प्रीक्वल बना सकते हैं वह सबसे अच्छा व्यक्ति था जिसे आप पा सकते थे वह टीम के कप्तान थे वह स्कूल में सबसे लोकप्रिय बच्चा था सुपर एथलीट वह जिम थोरपे की तरह था और युद्ध ने उसे बदल दिया यदि आपने उसे पहले देखा था तो वह एक आदर्श व्यक्ति जैसा था 112 सितंबर 2019 में स्टेलोन ने संभावित छठी फिल्म के लिए रेम्बो को भारतीय आरक्षण में शरण लेने में रुचि व्यक्त की थी एक जून दो में स्टेलोन ने इस विचार को संक्षेप में बताते हुए कहा अगर मैंने कभी दूसरा किया तो मुझे लगता है कि वह भारतीय आरक्षण पर वापस चला जाएगा जिस पर वह बड़ा हुआ था क्योंकि उसका परिवार भारतीय है 114 हालांकि सितंबर 2023 के एक सम्मेलन में स्टेलोन ने छठी फिल्म पर संदेश जताया और मजाक में कहा कि रेम्बो सिर्फ गठिया से लड़ रहा होगा सिल्वेस्टर गार्डनजो स्टेलोन बटा एस टी ओ एन बटा जन्म 6 जुलाई उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड साथ ही तीन अकादमी पुरस्कार और दो बाफ़्टा पुरस्कारों के लिए नामांकन शामिल हैं स्टेलोन इतिहास में केवल दो अभिनेताओं में से एक है, है एरिसन फोर्ड के साथ जिन्होंने लगातार छह दशकों तक बॉक्सफिस नंबर एक फ़िल्म में अभिनय किया है उन्नीस सौ उनहत्तर में न्यूयॉर्क शहर जाने के बाद कई वर्षों तक एक अभिनेता के रूप में संघर्ष करते हुए स्टेलोन को धीरे धीरे, धीरे द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश उन्नीस जैसी फ़िल्मों में काम मिला उन्होंने 1976 में सफल रॉकी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में बॉक्सर रॉकी बालबोआ की प्रतिष्ठित भूमिका के साथ अपनी सबसे बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की जिसे उन्होंने लिखा भी था चार उन्नीस में वह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दो अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाले इतिहास के तीसरे अभिनेता बने उन्होंने फर्स्ट ब्लड उन्नीस में पीटीएसडी से पीड़ित सैनिक जॉन रेम्बो की भूमिका निभाई यह भूमिका उन्होंने पांच रेम्बो फिल्मों एक से 2019 में निभाई थी 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के अंत तक स्टेलोन कोबरा उन्नीस टैंगो एंड कैश उन्नीस क्लिफहैंगर, 1993, उन्नीस सौ डिमोलिशन मैन उन्नीस जैसी एक्शन फिल्मों में अभिनय करके हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए और द स्पेशलिस्ट उन्नीस सौ चौरानवे उन्हें उन्नीस सौ चौरासी में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला स्टेलोन ने द एक्सपेंडेबल्स फिल्म फ्रेंचाइजी दो शून्य एक शून्य वर्तमान को लॉन्च करने से पहले रॉकी बालबोआ दो हजार छह और रेमबो दो हजार आठ में अपनी स्थापित भूमिकाएं जारी रखी जिसमें उन्होंने भाड़े के बार्णी रॉस के रूप में अभिनय किया 2013 में उन्होंने सफल फिल्म एस्केप प्लान में अभिनय किया और इसके सीक्वल में दिखाई दिए 2015 में वह क्रीड के साथ फिर से रॉकी में लौटे जिसमें एक सेवानिवृत्त रॉकी पूर्व प्रतिद्वंद्वी अपोलो क्रीड के बेटे डॉनी क्रीड का मार्गदर्शन करता है फिल्म ने स्टेलोन को व्यापक प्रशंसा दिलाई और उनका पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार साथ ही तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला चालीस साल पहले इसी भूमिका के लिए उन्हें पहली बार नामांकित किया गया था 2022 से उन्होंने पैरामाउंट प्लस अपराध श्रृंखला तुलसा किंग में अभिनय किया है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा सिल्वेस्टर गार्डन्सियो स्टेलोन पांच, छः सात का जन्म छह जुलाई उन्नीस को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र के हेल्स किचन पड़ोस में हुआ था आठ नौ वह महिला पेशेवर कुश्ती प्रमोटर जैकलीन जैकी स्टेलोन के बड़े बेटे थे नी लैबोफिश एक हज़ार नौ सौ इक्कीस से दो हज़ार बीस और हेयरड्रेसर फ्रांसिस्को फ्रैंक स्टेलोन सीनियर एक हज़ार नौ सौ उन्नीस से दो हज़ार ग्यारह दस उनकी मां ब्रेटन फ्रेंच ग्यारह और यूक्रेनी यहूदी वंश के साथ वाशिंगटन डीसी की एक अमेरिकी थीं बारह तेरह चौदह जबकि उनके पिता ग्योया डेल कोले दस के एक इतालवी आप्रवासी थे जो वहां चले गए 1930 के दशक में यूएस पंद्रह सोलह उनके छोटे भाई अभिनेता और संगीतकार फ्रैंक स्टेलोन हैं। दस स्टेलोन की कई जीवनियों से संकेत मिलता है कि उनका जन्म का नाम माइकल सिल्वेस्टर गार्डनजियो स्टेलोन है और उनकी मां ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने मूल रूप से उनका नाम टायरोन रखा था क्योंकि वह अभिनेता टायरोन पावर की प्रशंसा करती थीं लेकिन स्टेलोन के पिता ने इसे बदलकर सिल्वेस्टर कर दिया बचपन में उनका उपनाम बिंकी था लेकिन जब स्कूल के साथ ही उन्हें स्टिंकी कहने लगे तो उन्होंने माइक माइकल उपनाम अपनाना चुना पांच छ सात उनका मध्य नाम गार्डेजियो इतालवी दिए गए नाम गॉडेजियो का एक रूपांतर है और उन्होंने आमतौर पर इसे छोटा करके एनजियो कर दिया वन स्टेलोन के जन्म के दौरान जटिलताओं के कारण उनकी मां के प्रसूति विशेषज्ञों को उनका प्रसव कराते समय दो जोड़ी संदंश का उपयोग करना पड़ा इस प्रक्रिया में गलती से एक तंत्रिका कट गई सत्रह अठारह इससे उनके चेहरे के निचले बाए हिस्से उनके होंठ जीभ और ठोड़ी के हिस्सों सहित में पक्षाघात हो गया जिससे उनका विशिष्ट गुराने वाला रूप और बोलने में कठिनाई होने लगी अठारह उन्नीस परिणामस्वरूप उन्हें बचपन में धमकाया गया था जिससे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और अभिनय में उतरकर मुकाबला किया बीस उन्होंने अपनी शैश्वावस्था का कुछ समय पालन पोषण और बोर्डिंग देखभाल में बिताया जब वे पांच वर्ष के थे तब वे अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गए और मैरीलैंड वापस चले गए 1950 के दशक की शुरुआत में उनके पिता एक ब्यूटी स्कूल खोलने के लिए परिवार को उनकी मां के पैतृक स्थान वाशिंगटन डीसी में ले आए उन्नीस में उनकी माँ ने बारबेला नामक एक महिला जिम खोला इक्कीस बाईस जब वह ग्यारह वर्ष के थे तब अपने माता पिता के तलाक के बाद वह शुरू में अपने पिता के साथ रहे लेकिन जब वह पंद्रह वर्ष के थे तब वे फिलाडेल्फिया में अपनी पुनर्विवाहित माँ के पास चले गए ट्वेंटी थ्री स्टेलोन ने मियामी डेड कॉलेज में दाखिला लेने से पहले फ़िलाडेल्फिया में नोट्रेडेम डेम अकादमी और अब्राहम लिंकन हाई स्कूल चौबीस और चार्लोट हॉल मैरीलैंड में चार्लोट हॉल मिलिट्री अकादमी में पढ़ाई की पच्चीस उन्होंने सितंबर 1965 से जून 1967 तक अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्विट्जरलैंड में दो साल बिताए वह उन्नीस से उन्नीस तक मियामी विश्वविद्यालय में नाटक प्रमुख के रूप में अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए छब्बीस स्टैलोन के अनुरोध के बाद कि स्नातक होने के लिए उनके शेष आवश्यक कॉलेज क्रेडिट के बदले में उनके अभिनय और जीवन के अनुभवों को स्वीकार किया जाए वह उन्नीस में मियामी विश्वविद्यालय द्वारा ललित कला स्नातक बीएफए की डिग्री प्रदान की गई 27, 28. फिल्म और स्टेज करियर उन्नीस से उन्नीस सफलता की प्रारंभिक भूमिकाएं उन्नीस तक वह माइक स्टेलोन के नाम से मंच पर दिखाई दिए उन्नीस में उन्होंने स्टेज नाम सिल्वेस्टर ई स्टेलोन का उपयोग करना शुरू कर दिया मियामी विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान स्टेलोन ने उन्नीस में फिल्माए गए नाटक दैट नाइस बॉय उर्फ द स्क्वायर रूट में एक भूमिका निभाई थी उनतीस तीस इकतीस इसके अलावा उन्होंने और जॉन हर्जफेल्ड ने उन्नीस में एक साथ काम किया था बजट स्वनिर्मित फ़िल्म जिसे हॉर्सेज कहा जाता है 32. स्टेलोन की पहली अभिनीत भूमिका सॉफ्टकोर पोर्नोग्राफ़ी फ़ीचर फ़िल्म द पार्टी एट किटी एंड स्टर्ड्स उन्नीस में थी दो दिन के काम के लिए उन्हें 200 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया 33. स्टेलोन ने बाद में बताया कि अपने अपार्टमेंट से निकाले जाने और ख़ुद को कई दिनों तक बेघर पाए जाने के बाद उन्होंने हताशा में यह फ़िल्म की थी उन्होंने यह भी कहा है कि फ़िल्म के लिए कास्टिंग नोटिस देखने से पहले वह न्यूयॉर्क शहर में पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल में तीन सप्ताह तक सोए थे अभिनेता के शब्दों में यह या तो वह फिल्म करना था या किसी को लूटना था क्योंकि मैं अंत में था अपनी रस्सी के बिल्कुल अंत में चौंतीस स्टैलोन की नई प्रसिद्धि को भुनाने के लिए फ़िल्म को कई वर्षों बाद इटालियन स्टैलियन के रूप में रिलीज किया गया था नया शीर्षक रॉकी के बाद से स्टैलोन के उपनाम से लिया गया था स्टैलोन ने कामुक ऑफ ब्रॉडवे स्टेज प्ले स्कोर में भी अभिनय किया जो 28 अक्टूबर से 15 नवंबर 1971 तक मार्टिनिक थिएटर में 23 प्रदर्शनों तक चला और बाद में रेडली मेट्सगर द्वारा 1974 की फिल्म स्कोर में बनाया गया 35. न्यूयॉर्क शहर में जाने के बाद स्टैलोन ने अपनी प्रेमिका साशा जैक जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी के साथ एक अपार्टमेंट साझा किया जिसने वेट्रेस के रूप में काम करके उनका समर्थन किया छत्तीस स्टैलोन ने इस समय के दौरान छोटी मोटी नौकरियां की जिनमें एक चिड़ियाघर में सफाईकर्मी और एक थिएटर संचालक का काम शामिल था बाद में उन्हें टिकट छीनने के आरोप में निकाल दिया गया था उन्होंने स्थानीय पुस्तकालय में बार बार जाकर अपने लेखन कौशल को आगे बढ़ाया और एडगर एलन पो के कार्यों में रुचि लेने लगे थर्टी सेवन उन्नीस में स्टैलोन अभिनय करियर छोड़ने की कगार पर थे जिसे बाद में उन्होंने निम्न बिंदु के रूप में वर्णित किया उन्होंने द गॉडफादर में एक अतिरिक्त के रूप में नौकरी पाने की कोशिश की और असफल रहे अड़तीस उनतालीस इसके बजाय उन्हें एक अन्य हॉलीवुड हिट व्हाट्सअप डॉक में पृष्ठभूमि भूमिका में डाल दिया गया बारबरा स्ट्रीसंड अभिनीत स्टैलोन अपनी दो प्रस्तुतियों में मुश्किल से ही दिखाई देते हैं उन्नीस में उन्होंने जॉन ट्रेवोल्टा अभिनीत सैटरडे नाइट फीवर की अगली कड़ी स्टेइंग अलाइव का निर्देशन किया स्टेलोन द्वारा निर्देशित यह एकमात्र फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय नहीं किया था फ़िल्म समीक्षकों द्वारा स्टेइंग अलाइव की सार्वभौमिक रूप से निंदा की गई थी अड़तालीस गंभीर विफलता के बावजूद स्टेइंग अलाइव एक व्यावसायिक सफलता थी फ़िल्म ने 1660 स्क्रीनों से 12, एक सौ की कमाई के साथ उस समय किसी भी संगीत में फ़िल्म के लिए सबसे बड़े सप्ताहांत में शुरुआत की उन्चास पचास कुल मिलाकर फ़िल्म ने अपने 22 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले अमेरिकी बॉक्स ऑफ़िस पर लगभग पैंसठ मिलियन डॉलर की कमाई की दुनिया भर में इसने एक मिलियन डॉलर की कमाई की इक्यावन हालांकि अमेरिकी ऑफिस पर कमाई सैटरडे नाइट फीवर द्वारा अर्जित एक मिलियन डॉलर बावन से काफ़ी कम थी फिर भी फ़िल्म को उन्नीस की शीर्ष 10 सबसे आर्थिक रूप से सफल फ़िल्मों में स्थान दिया गया 1980 के दशक के दौरान स्टेलोन को अर्नोल्ड श्वार्जनेगर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एक्शन फिल्म सितारों में से एक माना जाता था तिरपन श्वार्जनेगर स्टेलोन प्रतिद्वंद्विता वर्षों तक जारी रही चवन उन्होंने प्रेस में एक दूसरे पर हमला किया और अधिक ऑन स्क्रीन हत्याओं और बड़े हथियारों के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की 53. स्टेलोन ने कभी कभी विभिन्न शैलियों में भूमिकाएं निभाने का असफल प्रयास किया उन्नीस में उन्होंने कॉमेडी फिल्म राइनस्टोन में डॉली पार्टन के साथ सहलेखन और अभिनय किया जहां उन्होंने एक देशी संगीत गायक की भूमिका निभाई राइनस्टोन साउंडट्रैक के लिए उन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया स्टैलोन ने राइनस्टोन बनाने के लिए रोमांसिंग द स्टोन में मुख्य पुरुष भूमिका को ठुकरा दिया इस निर्णय पर उन्हें बाद में पछतावा हुआ फिफ्टी फाइव में स्टेलोन ने रॉकी फोर और रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट टू के साथ रॉकी और रेम्बो फ्रेंचाइजी के साथ अपनी सफलता जारी रखी स्टैलोन ने कुल तेरह फिल्मों में इन दोनों किरदारों को निभाया है स्टैलोन ने फिल्म रॉकी फो के लिए अपने चरित्र की उपस्थिति को विकसित करने के लिए पूर्व मिस्टर ओलंपिया फ़्रेंको कोलंबू से मुलाकात की जैसे कि वह मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों इसका मतलब था दिन में दो वर्कआउट सप्ताह में छह दिन छप्पन दोनों फ़िल्में बड़ी वित्तीय रूप से सफल रहीं रेम्बो थ्री उन्नीस में जॉन रेम्बो के रूप में स्टेलोन उन्नीस के आसपास स्टेलोन को उन्नीस की जेम्स कॉग्नी की क्लासिक एंजल्स विद डर्टी फेसेस के रीमेक के लिए साइन किया गया था यह फिल्म कैनन फिल्म्स के साथ उनके मल्टीपिक्चर सौदे का हिस्सा होगी और इसमें क्रिस्टोफर रीव सकलाकार होंगे और इसका निर्देशन मेन्हेम गोलान द्वारा किया जाएगा ऐसे प्रिय क्लासिक के दोबारा निर्माण को शीर्ष आलोचक रोजर एबर्ट द्वारा वैरायटी और डरावनी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा कैनन ने एक्शन फिल्म कोबरा बनाने का विकल्प चुना जो उन्नीस में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इससे उनकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट ईगल एंटरप्राइजेज की स्थापना हुई फिफ्टी सेवन में उन्होंने पारिवारिक नाटक ओवर द टॉप में एक संघर्षरत ट्रक चालक की भूमिका निभाई जो अपने बिछड़े हुए बेटे के साथ सुधार करने की कोशिश करता है और एक हाथ कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है इसे आलोचकों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्सफिस पर असफल रही अट्ठावन उन्नीस सौ नवासी में उन्होंने बड़ी कॉप एक्शन फिल्म टैंगो एंड कैश में कर्ट रसेल के साथ सहाभिनय किया जिसने घरेलू और विदेशी स्तर पर ठोस कारोबार किया विदेशी बाजारों में सत्तावन मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की उनसठ स्टेलोन 1980 के दशक में बॉक्सिंग प्रमोटर बन गए उनकी मुक्केबाजी को बढ़ावा देने वाली कंपनी टाइगर आई प्रोडक्शंस ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज सीन ओग्राडी और आरोन प्रायर को अनुबंधित किया सिक्सटी स्टेलोन ने 1990 के दशक की शुरुआत रॉकी फ्रेंचाइजी की पांचवीं किस्त रॉकी वी में अभिनय करके की इस फिल्म ने पहली फ़िल्म के निर्देशक जॉन जी एविलसन को वापस लाया और इसे श्रृंखला की अंतिम किस्त बनाने का इरादा था इसे बॉक्सफिस पर निराशा माना गया और इसे नकारात्मक समीक्षा मिली सिक्सटी स्टेलोन अगली बार जॉन लैंडिस की पीरियड कॉमेडी ऑस्कर में दिखाई दिए जो आलोचनात्मक और बॉक्सफिस पर असफल रही बासठ उन्नीस में वह रोजर पोर्ट्सवूड की एक्शन कॉमेडी स्टॉप में दिखाई दिए और माई मॉम विल शूट तिरसठ जो आलोचनात्मक और बॉक्सफिस दोनों ही तरह से असफल रही स्टेलोन ने अफवाहों के आधार पर फिल्म पर हस्ताक्षर किए कि श्वार्जनेगर की मुख्य भूमिका में रुचि थी श्वार्जनेगर ने कहा कि यह जानते हुए कि स्क्रिप्ट की गुणवत्ता खराब थी उन्होंने स्टैलोन को लुभाने के लिए सार्वजनिक रूप से निर्माताओं के लिए अभिनय में दिलचस्पी दिखाई 53. 1993 उन्नीस सौ तिरानवे में उन्होंने रेनी हालिन की एक्शन थ्रिलर क्लिफहैंगर से वापसी की चौंसठ जो अमेरिका में सफल रही और चौरासी मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और दुनिया भर में एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की पैंसठ उस वर्ष के अंत में उन्होंने मार्को ब्रैम्बिला द्वारा निर्देशित फ्यूचरिस्टिक एक्शन फिल्म डिमोलिशन मैन में अभिनय किया जिसमें वेस्ले स्नेब्स और सैंड्रा बुलॉक्स का कलाकार थे छियासठ रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को बयालीस समीक्षाओं के आधार पर 60 परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग पांच डॉट है साइट की सर्वसम्मति में लिखा है व्यंग्यात्मक अंतर्धारा के साथ औसत से बेहतर विज्ञानफाई शूट एम अप डिमोलिशन मैन को स्टेलोन स्निप्स और बुलॉक के मजबूत प्रदर्शन से बल मिला है सड़सठ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक से शुरुआत की अड़सठ उनहत्तर सत्तर डिमोलिशन मैन ने उत्तरी अमेरिका में अपने बॉक्सफिस प्रदर्शन के अंत तक अट्ठावन शून्य पाँच पाँच सात सौ अड़सठ और दुनिया भर में एक सौ उनसठ शून्य पाँच पाँच सात सौ अड़सठ की कमाई की सेवेंटी वन उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला उन्नीस में शेरोन स्टोन अभिनीत और लुइस लोसा द्वारा निर्देशित द स्पेशलिस्ट के साथ जारी रहा जो 7 अक्टूबर को अमेरिका में रिलीज हुई थी बेहतर जबकि आलोचनात्मक प्रतिक्रिया अत्यधिक नकारात्मक थी तिहत्तर फ़िल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही चौहत्तर अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने चौदह तीन सौ सत्रह सात सौ पैंसठ की कमाई की और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सत्तावन तीन सौ बासठ पांच सौ बयासी के साथ अपना बजट पूरा कर लिया जबकि विदेशों में एक सौ तेरह शून्य 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 की अतिरिक्त कमाई की जिससे दुनिया भर में एक सौ सत्तर तीन सौ बासठ पांच सौ बयासी की कमाई हुई सेवेंटी फाइव उन्नीस सौ तिरानवे के कांस फिल्म समारोह में स्टेलोन उन्नीस में उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जज ड्रेड में शीर्षक चरित्र ब्रिटिश कॉमिक बुक दो ईस्वी से निभाया उनकी विदेशी बॉक्सफिस अपील ने जज ड्रेड की घरेलू बॉक्सफिस निराशा को बचा लिया जिसकी लागत लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और दुनिया भर में 113 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ मुश्किल से अपना बजट वापस कर पाए फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बावजूद स्टेलोन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ 60 मिलियन डॉलर के लिए तीन चित्रों का सौदा किया जिससे वह जिम कैरी के बाद प्रति फिल्म 20 मिलियन डॉलर प्राप्त करने वाले दूसरे स्टार बन गए हालांकि यह सौदा बिना कोई फिल्म बनाए फरवरी 2000 में समाप्त हो गया इसलिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला सेवेंटी उस वर्ष वह जूलियन मूर और एंटोनियो बैंडेरस के साथ थ्रिलर असेसेंस में भी दिखाई दिए उसी वर्ष स्टेलोन सभी मशहूर हस्तियों के साथ यूनिवर्सल स्टूडियो और एमसीए के अधिग्रहण का जश्न मनाने वाली एक पार्टी के लिए सीग्राम कंपनी द्वारा बनाई गई ट्रे पार्कर और मैट स्टोन की लघु कॉमेडी फिल्म योर स्टूडियो एंड यू में दिखाई दिए निगम स्टेलोन अपनी रॉकी बालबोआ आवाज में उपशीर्षक के साथ बोलते हैं जो वह कह रहे हैं एक बिंदु पर स्टेलोन चिलाना शुरू कर देता है कि वे उसके बालबोआ चरित्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं कि उसने इसे अतीत में छोड़ दिया था वर्णंकर्ता उसे वाइन कूलर से शांत करता है और उसे दिमागदार कहता है इसके जवाब में स्टेलोन कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर वह वाइन कूलर की ओर देखता है और चिल्लाता है बेवकूफ सस्ता स्टूडियो सेवेंटी सेवन उन्नीस में उन्होंने आपदा फिल्म डेलाइट में एक बदनाम पूर्व आपातकालीन सेवा प्रमुख के रूप में अभिनय किया जो एक भूमिगत सुरंग विस्फोट से बचे लोगों को बचाने का प्रयास करता है डेलाइट ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी खराब प्रदर्शन किया और 33 मिलियन डॉलर की कमाई की लेकिन विदेशों में बेहतर प्रदर्शन किया और दुनिया भर में कुल एक मिलियन डॉलर की कमाई की अठहत्तर उन्नीस में स्टैलोन को अपराध नाटक कॉपलैंड में एक अधिक वज़न वाले शेरिफ के रूप में चुना गया था जिसमें उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और रिलियोटा के साथ अभिनय किया था फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली 15 मिलियन डॉलर के बजट पर तिरसठ मिलियन डॉलर की कमाई की और स्टैलोन के प्रदर्शन ने उन्हें स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया उन्नीस में उन्होंने कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म एंड्स के लिए वॉइस ओवर का काम किया जो घरेलू स्तर पर एक बड़ी हिट थी 2000 से 2005 हजार पांच घटते वर्ष दो में स्टैलोन ने थ्रिलर गेट कार्टर में अभिनय किया जो 1971 में इसी नाम की ब्रिटिश फिल्म की रीमेक थी लेकिन फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिली स्टैलोन के करियर में काफी गिरावट आई क्योंकि उनकी बाद की फिल्में ड्रिवेन 2001, एवेंजिंग एंजेलो 2002 और डीटॉक्स 2002 भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं 2003 में उन्होंने स्पाई किड्स श्रृंखला की तीसरी किस्त स्पाई किड्स तीन डी गेम ओवर में खलनायक की भूमिका निभाई जो बॉक्सफिस पर बड़ी सफलता थी दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्टेलोन ने 2003 की फ़्रांसीसी फ़िल्म टैक्सी तीन में एक यात्री के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी उसी वर्ष स्टेलोन ने नवनोयर अपराध नाटक शेड में अपनी सहायक भूमिका के लिए प्रसिद्धि हासिल करना शुरू कर दिया जो केवल सीमित रूप में रिलीज हुई थी लेकिन आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई थी उनासी वह अस्थायी रूप से रैम्पर्ट स्कैंडल नामक एक फिल्म में अभिनय और निर्देशन करने से भी जुड़े थे जो रैपर टुपैक शकूर और द कुख्यात बिग की हत्या और आसपास के लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार घोटाले के बारे में थी अस्सी बाद में इसका नाम कुख्यात रखा गया लेकिन इसे बंद कर दिया गया एडी वन दो हजार पांच में शुगर रिलियोनार्ड के साथ वह एनबीसी रियलिटी टेलीविजन मुक्केबाजी प्रतियोगिता श्रृंखला द कंटेंडर के सह प्रस्तुत करता थे उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लास वेगास के दो एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई उस वर्ष स्टेलोन ने पेशेवर कुश्ती आइकन हल्क होगन को भी डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल किया जो रॉकी थ्री में थंडरलिप्स नामक पहलवान के रूप में दिखाई दिए थे स्टेलोन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने होगन को रॉकी थ्री में कैमियो की पेशकश की थी बयासी अगस्त में स्टेलोन ने अपनी पुस्तक स्ली मूव्स जारी की जिसमें फ़िटनेस और पोषण के लिए एक मार्गदर्शिका होने के साथ साथ उनके जीवन और उनके अपने दृष्टिकोण से कार्यों के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि होने का दावा किया गया है पुस्तक में स्टैलोन की वर्षों की कई तस्वीरों के साथ साथ उनके अभ्यास करते हुए चित्र भी शामिल थे फ़िल्मों से तीन साल के अंतराल के बाद स्टैलोन ने 2006 में अपनी सफल रॉकी श्रृंखला रॉकी बालबोआ की छठी किस्त के साथ वापसी की जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक हिट थी पिछली किस्त रॉकी वी की आलोचनात्मक और बॉक्सफ़िस पर विफलता के बाद स्टैलोन ने छठी किस्त में लिखने निर्देशित करने और अभिनय करने का फ़ैसला किया था जो श्रृंखला के लिए अधिक उपयुक्त चमोत्कर्ष होगा कुल घरेलू बॉक्स ऑफ़िस सत्तर दशमलव तीन मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में एक सौ पचपन दशमलव सात मिलियन अमेरिकी डॉलर आया तिरासी फ़िल्म का बजट केवल चौबीस मिलियन अमेरिकी डॉलर था रॉकी बालबोआ में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई और उसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली चौरासी उस वर्ष डेथ विश रीमेक का विकास शुरू हुआ जब स्टेलोन ने घोषणा की कि वह 1974 की फिल्म के रीमेक का निर्देशन और अभिनय करेंगे स्टेलोन ने कहा चार्ल्स ब्रोंसन का किरदार एक वास्तुकार होने के बजाय मेरे संस्करण में वह एक बहुत अच्छे पुलिस वाले के रूप में होगा जिसने अपनी बंदूक का उपयोग किए बिना अविश्वसनीय सफलता हासिल की थी इसलिए जब उसके परिवार पर हमला होता है तो वह वास्तव में एक नैतिक दुविधा में पड़ जाता है अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ने में बाद में उन्होंने प्रकाशन को बताया कि वह अब इसमें शामिल नहीं है पचासी छियासी हालांकि एमटीवी के साथ 2009 में एक साक्षात्कार में स्टेलोन ने कहा कि वह फिर से इस परियोजना पर विचार कर रहे थे सत्तासी हालांकि निर्देशक के रूप में एली रोथ के साथ यह भूमिका ब्रूस विलिस को मिली स्टेलोन ने स्ली वाटर नामक एक उच्च स्तरीय बोतलबंद पानी ब्रांड का उत्पादन करने वाली पेय कंपनी के साथ साझेदारी की एडीएई 2008 में स्टेलोन ने अपनी अन्य सफल फ़िल्म फ़्रेंचाइजी की चौथी किस्त के साथ रेम्बो के रूप में अपनी अन्य प्रसिद्ध भूमिका को दोहराया जिसका शीर्षक केवल रेम्बो था कुछ देशों में जॉन रेम्बो जहां पहली फ़िल्म का नाम रेम्बो था यह फिल्म 25 जनवरी 2008 को दो हज़ार सात सौ इक्यावन सिनेमागरों में प्रदर्शित हुई और इसने अपने शुरुआती दिन में छह चार सौ नब्बे शून्य 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 अमेरिकी डॉलर और शुरुआती सप्ताहांत में अठारह दो सौ शून्य 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 अमेरिकी डॉलर की कमाई की 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ दुनिया भर में इसका बॉक्स ऑफिस एक सौ तेरह अमेरिकी डॉलर था जुलाई दो में स्टेलोन ने बॉलीवुड फिल्म कंबक्त इश्क में एक छोटी सी भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने खुद की भूमिका निभाई एरीनाइन दो हज़ार नौ में छियावें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्टेलोन सात दिसंबर दो हज़ार दस को यह घोषणा की गई कि स्टेलोन को गैर प्रतिभागी श्रेणी में इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में वोट दिया गया था नाइन्टी उस वर्ष भी स्टेलोन ने सामूहिक एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में लेखन निर्देशन और अभिनय किया यह फिल्म जिसे 2009 की गर्मियों और सर्दियों के दौरान फिल्माया गया था 13 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी फिल्म में उनके साथ साथ ही एक्शन स्टार जेसन स्टैथम जेटली और डॉल्फ लुंडग्रेन साथ ही टेरी क्रूज मिकी राउर के रैंडी कौचर भी शामिल थे एरिक रॉबर्ट्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और अस्सी के दशक के साथ ही एक्शन आइकन ब्रूस विलिस और अर्नोल श्वार्जनेगर द्वारा कैमियो इक्यानवे फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में चौतीस आठ सौ पच्चीस एक सौ पैंतीस अमेरिकी डॉलर कमाए और सीधे अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर पहुंच गई यह आंकड़ा स्टैलोन के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत है बानवे दो की गर्मियों में ब्राजीलियाई कंपनी ओ दो फिल्म ने एक बयान जारी कर कहा कि फिल्म पर काम के लिए उस पर अभी भी दो मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का बकाया है तिरानवे 2011 में स्टेलोन ने केविन जेम्स की कॉमेडी ज़ूकीपर में एक शेर की आवाज़ दी स्पेंडेबल्स दो सत्रह अगस्त दो हज़ार बारह को जारी किया गया था सीक्वल को रोटेन टोमाटोज पर सड़सठ परसेंट का सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला चौरानवे जबकि मूल को इकतालीस परसेंट मिला था पचानवे पहली फ़िल्म से लौटने वाले कलाकारों के साथ साथ कलाकारों की टोली में जिन क्लाउड वान डेम और नॉरिस भी शामिल थे उस वर्ष स्टेलोन ने रॉकी के ब्रॉडवे संगीत रूपांतरण के लिए पुस्तक का सहलेखन किया 2013 में स्टेलोन ने वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म बुलेट टू दहेड़ में अभिनय किया जो एलेक्सिस नोलेंट के फ़्रांसीसी ग्राफिक उपन्यास डू प्लॉम डांस लाटेटे पर आधारित थी छियानवे इसके अलावा 2013 में उन्होंने अर्नोल श्वार्जनेगर और जिम कैविजेल के साथ एक्शन थ्रिलर एस्केप प्लान में अभिनय किया और रॉकी फ्रेंचाइजी की याद दिलाते हुए रॉबर्ट डी नीरो के साथ स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा ग्रज मैच में अभिनय किया बताया गया कि स्टेलोन स्पेनिश फिल्म नो रेस्ट फॉर द विकेड का अंग्रेजी भाषा में रीमेक विकसित कर रहे थे हालांकि यह परियोजना बंद कर दी गई थी सत्तानवे अट्ठानवे उस वर्ष स्टेलोन को जेसन स्टैथम एक्शन फिल्म वाहन होमफ्रंट के लिए लेखक के रूप में श्रेय दिया गया द एक्सपेंडेबल्स तीन एक्शन फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त 15 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी वापसी करने वाले कलाकारों में वेस्ले स्नेप्स एंटोनियो बैंडेरस मेल गिप्सन और हैरिसन फोर्ड भी शामिल थे इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने नकारात्मक रूप से सराहा और यह श्रृंखला की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई 99. स्टेलोन 2014 हजार चौदह कांस फिल्म फेस्टिवल में द एक्सपेंडेबल्स तीन का प्रचार कर रहे थे 2015 हजार पंद्रह में स्टैलोन ने स्पिनफेिक्वल फिल्म क्रीड में रॉकी बालबोआ के रूप में अपनी भूमिका दोहराई जो एडोनिस डॉनी क्रीड पर केंद्रित थी जो उनके मृत मित्र प्रतिद्वंद्वी अपोलो क्रीड का बेटा था जो एक पेशेवर मुक्केबाज बन गया जिसकी भूमिका माइकल ने निभाई थी बी जॉर्डन रयान कुगलर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली चालीस वर्षों की अवधि में सातवीं बार प्रतिष्ठित सिनेमाई मुक्केबाज को चित्रित करते हुए स्टेलोन के चरित्र चित्रण को व्यापक प्रशंसा और प्रशंसा मिली जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए उनका तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल है दो में स्टेलोन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में दिखाई दिए दो स्टैकर ओ गॉड स्टारहॉक के रूप में रेवर्स गुड के नेता एक सौ 2018 में उन्होंने डेव बोतिस्ता के साथ एस्केप प्लान दो हेर्स में सा अभिनय किया जो सीधे होम वीडियो पर जारी किया गया था उत्पादन समाप्त करने पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से घोषणा की कि एस्केप प्लान तीन डेविल स्टेशन पर काम उसके तुरंत बाद शुरू हो गया 101 जुलाई में स्टेलोन ने घोषणा की कि उन्होंने क्रीड की अगली कड़ी के लिए एक स्क्रिप्ट पूरी कर ली है जिसमें रॉकी फो से इवान ड्रैगो की वापसी भी शामिल है 102. उस वर्ष स्टेलोन को डेरेक वेन जॉनसन की जॉन जी एविलसन किंग ऑफ द अंडरडॉग्स में दिखाया गया था जो निर्देशक जॉन जी एविलसन के बारे में एक वृत्तचित्र थी 103. क्रीड टू का निर्माण थैंक्स गिविंग 2018 पर निर्धारित रिलीज के साथ मार्च दो में शुरू हुआ स्टेलोन को मूल रूप से स्टीवन कैपल जूनियर की नियुक्ति से पहले उनकी फ़ीचर फ़िल्म निर्देशन की पहली फ़िल्म का निर्देशन करना था 104 सौ क्रीड टू को 21 नवंबर 2018 को मेट्रोगोल विमेयर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था फ़िल्म को आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में पैंतीस दशमलव तीन मिलियन डॉलर की कमाई की कुल पांच दिन पचपन दशमलव आठ मिलियन डॉलर का जो थैंक्स गिविंग पर लाइव एक्शन रिलीज़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत है वन हंड्रेड एण्ड तेईस जुलाई 2019 को वैरायटी के साथ एक साक्षात्कार में स्टेलोन ने कहा कि रॉकी सीक्वल और प्रीक्वल विकास में है निर्माता इरविन विंकलर ने कहा हम इस पर बहुत आगे हैं और स्टैलोन के लिए फ़ीचर लिखने और उसमें अभिनय करने के लिए बातचीत चल रही है हम इसे बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं स्टैलोन ने कहा कि फ़िल्म की कहानी रॉकी की एक युवा लड़ाके से दोस्ती के बारे में होगी जो एक गैरदस्तावेज आप्रवासी है रॉकी की मुलाक़ात एक युवा गुस्सेल व्यक्ति से होती है जो अपनी बहन से मिलने के लिए इस देश में फंस गया था वह उसे अपने जीवन में ले जाता है और अविश्वसनीय रोमांच शुरू होते हैं और वे सीमा के दक्षिण में पहुंच जाते हैं यह बहुत बहुत समय पर है स्टैलोन ने कहा स्टैलोन ने यह भी कहा कि रॉकी प्रीक्वल टेलीविजन श्रृंखला के बारे में चल रही चर्चा है जिसके बारे में उन्हें उम्मीद है कि यह एक स्ट्रीमिंग सेवा पर आएगी और यह श्रृंखला संभवतः पेशेवर मुक्केबाजी के उम्मीदवार के रूप में युवा रॉकी बालबोआ का अनुसरण करेगी स्टेलोन ने कहा कि निर्माता इरविन विंकलर यह कहते हुए श्रृंखला बनाने से झिझक रहे हैं कि वहाँ कुछ संघर्ष था हाँ उन्होंने अपने मन में महसूस किया कि रॉकी मुख्य रूप से एक फ़ीचर फिल्म थी और उन्होंने इसे केबल के लिए अनुवादित होने के रूप में नहीं देखा इसलिए विवाद की एक बड़ी जड़ थी एक सौ सात एक सौ आठ उस वर्ष स्टेलोन ने मूल रॉकी के निर्माण पर एक वृत्तचित्र का निर्देशन और निर्माण करने के लिए डेरेक वेन जॉनसन को चुना जिसका शीर्षक चालीस ईयर्स ऑफ रॉकी 2020 था डॉक्यूमेंट्री में स्टेलोन को फिल्म के निर्माण के दौरान के पर्दे के पीछे के फुटेज का वर्णन करते हुए दिखाया गया है वन स्टेलोन ने मार्च 2018 हजार अठारह में ब्रेडेन आफ्टरगुड के साथ बालबोआ प्रोडक्शंस नामक एक फिल्म स्टूडियो का गठन किया जहां स्टेलोन उनकी प्रत्येक परियोजना के लिए सहनिर्माता के रूप में काम करेंगे स्टूडियो ने फिल्म और टेलीविजन के लिए परियोजनाएं विकसित करने के लिए स्टारलाइट कल्चर एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुवर्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए एक मई 2018 में रेमबो फ्रेंचाइज की पांचवीं किस्त की घोषणा की गई और अगस्त 2018 में एड्रियन ग्रुनबर्ग को निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई एक सौ रेम्बो लास्ट ब्लड का फिल्मांकन सितंबर 2018 में शुरू हुआ जिसकी पटकथा स्टेलोन ने सहलिखित थी जिन्होंने वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो की भूमिका भी दोहराई थी एक कथानक एक पारिवारिक मित्र की बेटी को बचाने के लिए रेमबो द्वारा मैक्सिकन ड्रग कार्टेल में घुसपैठ करने पर केंद्रित है एक फिल्म जो 20 सितंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी 114 ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 18.9 मिलियन डॉलर की कमाई की जो फ्रेंचाइजी की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत थी 115, 116 फिल्म ने 50 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में इक्यानवे मिलियन डॉलर की कमाई की दो के अंत में स्टेलोन ने गेम के दूसरे कॉम्बैट पैक के हिस्से के रूप में फाइटिंग वीडियो गेम मॉटल कोम्बैट ग्यारह में रेम्बो के रूप में अपनी आवाज दी एक सौ सत्रह दो हजार इक्कीस में उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म द सुसाइड स्क्वाड में किंग शार्क को आवाज दी एक सौ अठारह दो हजार बाईस में स्टेलोन ने सेमेरिटन में अभिनय किया जो ब्रैगी शूट द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट से सुपरहीरो शैली की एक गहरी व्याख्या है एक नवंबर 2022 में स्टेलोन ने तुलसा किंग में अपना स्ट्रीमिंग टेलीविज़न डेब्यू किया जिसमें उन्होंने एक माफिया बॉस की भूमिका निभाई नौ एपिसोड श्रृंखला टेलर शेरिडन और टेरेस विंटर द्वारा बनाई गई थी और इसका प्रीमियर पैरामाउंट प्लस पर किया गया था 120 दूसरा सीजन विकास में है मई 2023 में स्टैलोन और उनके तत्काल परिवार पत्नी और तीन बेटिया ने एक रियलिटी टेलीविज़न श्रृंखला द फैमिली स्टैलोन में अभिनय किया लॉन्च के सात दिन बाद श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया उसी महीने स्टैलोन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में स्टाकर ओगार्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थ्री एक सौ इक्कीस थॉम जिमनी द्वारा स्टेलोन के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म स्ली का प्रीमियर 2023 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में किया गया एक अक्टूबर दो में उन्होंने द एक्सपेंडेबल्स चार में बार्नी रॉस की भूमिका दोहराई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही और इस फ्रेंचाइजी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई 123 आगामी परियोजनाएं क्रीड टू और वी लास्ट ब्लड की रिलीज के बाद बालबोआ प्रोडक्शंस के पास एक व्यापक उत्पादन स्लेट है पहले अफ्रीकी अमेरिकी बॉक्सिंग है विवेद चैंपियन जैक गेलवेस्टर्न जायट जॉनसन के इतिहास को दर्शाने वाली एक फिल्म का विकास चल रहा है जॉनसन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मनोप्रांत क्षमा दिलाने में स्टेलोन की महत्वपूर्ण भागीदारी के बाद इस परियोजना की घोषणा की गई थी 124 स्टेलोन बाद में हंटर के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करेंगे एक कहानी जिसे मूल रूप से रेम्बोवी लास्ट ब्लड के आधार के रूप में योजनाबद्ध किया गया था कहानी नाथनियल हंटर के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक पेशेवर ट्रैकर है जिसे एक गुप्त एजेंसी के प्रयोग के रूप में बनाए गए आधेमानव जानवर का शिकार करने के लिए काम पर रखा गया है स्टूडियो ने अभी तक एक पटकथा लेखक को नियुक्त नहीं किया है मैगोवन के 50 से अधिक अंडरकवर मिशनों के करियर के बारे में माइकल मैगोवन और राल्फ पेजुलो द्वारा लिखित जीवनी उपन्यास घोस्ट माई थर्टी ईयर्स एज इन एफबीआई अंडरकवर एजेंट का एक फीचर लंबाई रूपांतरण होगा हालांकि इस परियोजना से अभी तक कोई पटकथा लेखक जुड़ा नहीं है इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त आर्मी रेंजर मैक्स एडम्स द्वारा लिखी जा रही ब्लैक ऑप सैनिकों पर केंद्रित एक फिल्म भी विकास में है स्टेलोन ने चक डिक्सन द्वारा बनाई गई एक पुस्तक श्रृंखला से लेवॉन ट्रेड लिखा जो एक टेलीविजन रूपांतरण के रूप में शुरू हुआ और एक फिल्म प्रोजेक्ट में बदल गया टेलीविजन प्रोडक्शन स्लेट में रॉब विलियम्स द्वारा लिखित चार्ल्स सेलर के सेकेंड सन का एक श्रृंखला रूपांतरण शामिल है 125. हंड्रेड ने मई 2020 की शुरुआत में घोषणा की कि उन्नीस के डिमोलिशन मैन की अगली कड़ी पर काम चल रहा है मुझे लगता है कि यह आ रहा है हम अभी वार्नर ब्रदर्स के साथ इस पर काम कर रहे हैं यह शानदार दिख रहा है इसलिए इसे सामने आना चाहिए यह आने वाला है होना 126. स्टेलोन स्टैलोन ने एडगर एलन पो के जीवन पर एक फिल्म का निर्देशन करने में अपना जुनून व्यक्त करना जारी रखा है एक स्क्रिप्ट जिसे वह वर्षों से तैयार कर रहे हैं उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वह नेल्सन डेमिल के उपन्यास द लायंस गेम का रूपांतरण करना चाहेंगे मीडिया में अनेक कार्य 1977 में पहली रॉकी के लिए स्टैलोन चार्ली चैपलिन और ऑर्सन वेल्स के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए दो नामांकन प्राप्त करने वाले इतिहास के तीसरे व्यक्ति बन गए एक उपरोक्त की तरह उन्होंने लिखा और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई स्टेलोन को रॉकी बालबोआ जॉन रेम्बो और बार्नी रॉस जैसी उनकी आवर्ती भूमिकाओं के लिए जाना जाता है स्टेलोन ने रॉकी की सभी छह फिल्मों में लेखन और अभिनय किया जबकि चार सीक्वेल में निर्देशन का कार्यभार संभाला स्टेलोन ने रेम्बो फ्रेंचाइजी की पाँच फिल्मों में अभिनय और सहलेखन किया और चौथी का उन्होंने निर्देशन भी किया स्टेलोन ने द एक्सपेंडेबल्स फ़िल्म की पहली किस्त का लेखन निर्देशन और मुख्य भूमिका निभाई स्टेलोन ने पैराडाइज एले का निर्देशन अभिनय और लेखन किया जॉन ट्रावोल्टा ने स्टेइंग अलाइव में अभिनय किया जो सैटरडे नाइट फीवर की अगली कड़ी थी जिसे स्टेलोन ने लिखा और निर्देशित किया था स्टैलोन ने कोबरा और ड्रिवेन में लिखा और अभिनय किया स्टेलोन ने फिस्ट राइनस्टोन, ओवर द टॉप क्लिफहैंगर और क्रीड टू में सहलेखन और अभिनय किया प्रशस्ति पत्र आवश्यक फरवरी 2008 में यह पूछे जाने पर कि उन्हें किस आइकन रॉकी या रेम्बो के लिए याद किया जाएगा स्टैलोन ने कहा यह कठिन है लेकिन रॉकी मेरा पहला बच्चा है इसलिए रॉकी 128 उन्होंने यह भी कहा कि रॉकी को एक ही चरित्र के चेतन और रेम्बो को अचेतन के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है 129 स्टेलोन ने कभी कभी अपनी फिल्मों में गाना भी गाया है उन्होंने पैराडाइज एले उन्नीस के लिए टू क्लोज टू पैराडाइज गाया जिसमें कोंटी का संगीत था जिन्होंने पिछले वर्षों में स्टैलोन के साथ भी सहयोग किया था जिन्होंने अपनी अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म के लिए प्रसिद्ध गोना फ्लाई नाउ थीम रिकॉर्ड की थी रॉकी उन्नीस जो यूएस नंबर एक हिट थी 130 सौ रॉकी थ्री उन्नीस में स्टैलोन रॉकी बाल्बोआ के रूप में ने अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी एड्रियन तालिया शायर के लिए टेक मी बैक गाया जब वे बिस्तर पर लेटे हुए थे यह गाना सबसे पहले गायक और छोटे भाई फ्रैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिनकी मूल रॉकी में एक छोटी भूमिका थी राइनस्टोन उन्नीस के लिए स्टेलोन ने ड्रिंकस्टीन जैसे गाने गाए और साथ ही अपने सकलाकार और वास्तविक देशी संगीत स्टार डॉली पार्टन के साथ युगल गीत भी गाए एक सौ इकतीस 1980 के दशक में अपने करियर के चरम पर जब उन्होंने द मपेट शो में अतिथि भूमिका निभाई तब उन्होंने दो गाने भी प्रस्तुत किए 132 सौ स्टैलोन ने आखिरी बार किसी फिल्म में ग्रज मैच 2013 में गाना गाया था जब उन्होंने और रॉबर्ट डी नीरो ने एक साथ द स्टार स्पेंगल बैनर का प्रदर्शन किया था वन व्यक्तिगत जीवन 1985 में व्हाइट हाउस में तत्कालीन पत्नी ब्रिगिट नीलसन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और प्रथम महिला नैन्सी रीगन के साथ स्टैलोन विवाह और बच्चे स्टैलोन की तीन बार शादी हो चुकी है उनकी पहली शादी से दो बेटे और तीसरी शादी से तीन बेटियां हैं 28 साल की उम्र में 28 दिसंबर 1974 को उन्होंने साशा जैक से शादी की उनके दो बेटे थे सेज मूनब्लर स्टेलोन एक से 2012 जिनकी छत्तीस साल की उम्र में हृदय रोग से मृत्यु हो गई और सर्जियो जन्म उन्नीस सौ उनासी जिन्हें कम उम्र में ही ऑटिज्म का पता चला था चौदह फरवरी उन्नीस सौ पचासी को इस जोड़े का तलाक हो गया स्टेलोन ने पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ पचासी को कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में मॉडल और अभिनेत्री ब्रिगिट नीलसन से शादी की उनकी शादी जो दो साल तक चली और उसके बाद के तलाक को टैब्लॉयड प्रेस द्वारा अत्यधिक प्रचारित किया गया 134, 135, 136. थर्टी उन्नीस सौ अट्ठासी में स्टेलोन की मुलाकात मॉडल जेनिफर फ्लेविन से हुई और वे उन्नीस सौ चौरानवे तक रिलेशनशिप में रहे जब स्टेलोन ने उन्हें बताया कि वह मॉडल जेनिस डिकिंसन के साथ एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं फरवरी उन्नीस सौ चौरानवे में जन्म के बाद डीएनए परीक्षणों से पुष्टि हुई कि वह पिता नहीं थे और स्टेलोन ने डिकिंसन से अपनी सगाई तोड़ दी उन्नीस में मॉडल एंजी एवरहार्ट के साथ एक संक्षिप्त सगाई के बाद उन्होंने और फ्लाविन ने अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया मई उन्नीस में स्टैलोन और जेनिफर फ्लाविन ने शादी कर ली दंपति की तीन बेटियां हैं सोफिया सिस्टिन और स्कारलेट एक उनकी बेटियों को चौहत्तरवें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में गोल्डन ग्लोब राजदूत की भूमिका साझा करने के लिए चुना गया था एक 19 अगस्त 2022 को पाम बीच काउंटी के रिकॉर्ड से पता चला कि शादी के 25 साल बाद जेनिफर फ्लेविन ने विवाह विच्छेद और अन्य राहत के लिए आवेदन किया था एक सौ उनतालीस एक सौ चालीस तेईस सितंबर दो हजार बाईस को जोड़े में सुलह हो गई वन हंड्रेड एंड फोर्टी वन परिवार और दोस्तों स्टेलोन अपने भाई फ्रैंक के साथ रिश्ता बनाए रखता है जिसने रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट टू और स्टेइंग अलाइव में थीम गीतों का योगदान दिया है उन्नीस में स्टेइंग अलाइव के लिए फ्रैंक का गाना फार फ्रॉम ओवर दस यूएस हिट पर पहुंच गया फ्रैंक छोटी भूमिकाओं कुछ हिस्सों में दिखाई देते हैं और सिल्वेस्टर अभिनीत कई फिल्मों में संगीत प्रदान करते हैं विशेष रूप से रॉकी फिल्मों में जहां फ्रैंक ने एक स्ट्रीट कॉर्नर गायक की भूमिका निभाई और गीतों में योगदान दिया स्टेलोन की 48 वर्षीय सौतेली बहन टोनी एन फिलिटी की 26 अगस्त 2012 को फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई 142. हंड्रेड स्टेलोन जो स्पिनेल के करीबी दोस्त थे लेकिन 1981 में अपने अंतिम सहयोग नाइटहॉक्स की शूटिंग के दौरान उनके बीच अनबन हो गई और उन्नीस में स्पिनेल की मृत्यु हो गई 143. चोट लगने की घटनाएं शारीरिक रूप से कठिन भूमिकाओं और अपने अधिकांश स्टंट स्वयं करने की इच्छा के लिए जाने जाने वाले स्टेलोन को अपने अभिनय करियर के दौरान कई चोटों का सामना करना पड़ा है एस्केप टू विक्ट्री के फिल्मांकन के दौरान पेले के खिलाफ पेनल्टी किक बचाने की कोशिश में उनकी उंगली टूट गई एक रॉकी फो के एक दृश्य के लिए उन्होंने डॉल्फ लुंडग्रेन से कहा जितना जोर से तुम मेरी छाती पर मार सकते हो मुक्का मारो उन्होंने बाद में कहा अगली बात जो मुझे पता है अचार दिनों तक सेंट जॉन अस्पताल में गहन देखभाल में था यह बेवकूफ़ी है एक सौ एक सौ छियालीस द एक्सपेंडेबल्स के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय उनकी गर्दन टूट गई और उन्हें धातु की प्लेट डालने की आवश्यकता पड़ी 147 कानूनी मुद्दों फरवरी 2001 में मार्गी कैर नाम की एक विदेशी नर्तकी ने स्टेलोन के खिलाफ मुकदमा दायर किया और उन पर सांता मोनिका फिटनेस सेंटर में बलात्कार का आरोप लगाया जहां वे दोनों 26 फरवरी 2000 को वर्कआउट कर रहे थे स्टेलोन के एक वकील ने दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसने उसे बेच दिया था मुक्त में से एक महीने पहले ग्लोब को कहानी 148, 149, 150। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में सीमा शुल्क अधिकारियों ने स्टेलोन के सामान में सिंथेटिक मानव विकास हार्मोन जिंट्रोपिन की 48 शीशियां खोजी एक सौ 15 मई को एक अदालत की सुनवाई में उन्होंने नियंत्रित पदार्थ रखने के दो आरोपों में दोषी ठहराया 152. 2013 में यह बताया गया कि स्टेलोन ने उन्नीस में अपनी सौतेली बहन टोनियन फिलिटी को मासिक राशि और मनोरोग और चिकित्सा खर्चों के लिए एक ट्रस्ट के साथ दो मिलियन डॉलर का एक मुश्त भुगतान किया फिलिटी ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करने की धमकी दी स्टेलोन और फिलिटी की मां जैकलीन स्टेलोन के प्रतिनिधियों ने आरोपों से इनकार किया उन्होंने फिलिटी पर उसे ब्लैकमेल करने और नशीली दवाओं की लत का आरोप लगाया हालांकि फिलिटी के बेटे एड फिलिटी ने दावों का समर्थन करते हुए कहा कि उसकी मां 2012 में अपनी मृत्यु से पहले अपने सौतेले भाई के हाथों दुर्व्यवहार के बारे में बार बार चिल्लाती थी 153, 149 2016 में लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि स्टैलोन पर एक 16 वर्षीय लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जब वह उन्नीस में लास वेगास में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे किशोरी ने कथित तौर पर कहा कि स्टैलोन तब चालीस ने उसे अपने अंगरक्षक के साथ त्रिगुट में जाने के लिए मजबूर किया एक सौ स्टैलोन के एक प्रतिनिधि ने आरोप से इनकार किया एक सौ पचपन स्टेलोन की पूर्व पत्नी ब्रिगिड नीलसन बाद में उनके बचाव में आई और कहा कि कथित हमले के समय वह उनके साथ थीं स्टेलोन के ओवर द टॉप के सकलाकार डेविड मेंडेनहॉल ने भी स्टेलोन का बचाव किया और उन दावों का खंडन किया कि उन्होंने स्टेलोन को संबंधित लड़की से मिलवाया था 156 नवंबर 2017 में एक महिला ने स्टेलोन पर 1990 के दशक की शुरुआत में अपने सांता मोनिका कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया स्टेलोन ने दावे का खंडन किया एक उनके वकील ने खुलासा किया कि एक मनोरंजन वेबसाइट द्वारा कहानी को लेने से इनकार करने के बाद आरोप लगाने वाले ने एक रिपोर्ट दर्ज की एक स्टेलोन के वकीलों ने यह भी कहा कि हालांकि अभिनेता ने उन्नीस में आरोप लगाने वाले के साथ समिति से संबंध बनाए थे लेकिन उनके पास दो गवाह थे जिन्होंने दावों का खंडन किया था एक सौ उनसठ जून 2018 में लॉस एंजल्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने एक जांच की पुष्टि की जिसमें कहा गया कि सांता मोनिका पुलिस विभाग ने स्टेलोन के ख़िलाफ़ यौन अपराध का मामला समीक्षा के लिए एक विशेष अभियोजन कार्यबल को प्रस्तुत किया था 160 अक्टूबर 2018 में लॉस एंजल्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने कथित हमले के लिए स्टेलोन पर आरोप नहीं लगाने का निर्णय लिया क्योंकि किसी भी गवाह ने आरोपों की पुष्टि नहीं की स्टेलोन ने बदले में एक आधिकारिक दस्तावेज पर झूठ बोलने के संबंध में एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की 161, 162, विचार और विश्वास स्टेलोन ने बपतिस्मा लिया और एक कट्टर कैथोलिक के रूप में पलिबे लेकिन जैसे जैसे उनका अभिनय करियर आगे बढ़ा उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया उन्नीस सौ छियानवे में जब उनकी बेटी बीमार पैदा हुई तो उन्होंने अपने बचपन के विश्वास को फिर से खोजा और 2006 के अंत तक वह फिर से एक सख्त कैथोलिक बन गए एक उसी वर्ष क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के सात सौ क्लब से पैट रॉबर्टसन ने उनका साक्षात्कार लिया उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉलीवुड में अपना पिछला अधिकांश समय रास्ता भटकने में बिताया क्योंकि प्रलोभन बहुत था लेकिन बाद में उन्होंने चीज़ों को भगवान के हाथों में सौंप दिया एक हालांकि उन्होंने 2010 में जीक्यू पत्रिका को बताया मैं काफी आध्यात्मिक हूं मैं मनुष्य की आत्मा में बहुत विश्वास करता हूं, मैं निश्चित रूप से नास्तिक नहीं हूं, मैंने कैथोलिक बपतिस्मा लिया था लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूं एक संरचित चर्च के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा ज्ञान है जीने के लिए कुछ अद्भुत नियम है फिर इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे कितनी पीड़ा होती है 165 स्टेलोन स्टैलोन ने कई रिपब्लिकन राजनेताओं का समर्थन किया है लेकिन वह खुद को रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं पहचानते एक उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और जो बिडेन और क्रिस डोड जैसे डेमोक्रेट को भी दान दिया है वह अपने रूढ़िवादी विचारों के बावजूद बंदूक नियंत्रण के कट्टर समर्थक हैं और उन्हें हॉलीवुड में सबसे बंदूक विरोधी सेलिब्रिटी के रूप में वर्णित किया गया है 167। हंड्रेड एंड सिक्सटी में स्टेलोन ने तत्कालीन कांग्रेसी रिक्सेंटोरम के अभियान में 1000 डॉलर का योगदान दिया जो उस समय पेंसिल्वेनिया में सीनेट के लिए दौड़ रहे थे 168। 2008 में स्टेलोन ने उस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जॉन मैकिन का समर्थन किया 2015 में एक वैदिक विद्वान की सलाह पर स्टेलोन ने अपने बेटे ऋषि के लिए हरिद्वार में एक हिंदू तिथि श्राद्ध अनुष्ठान दुर्घटना या हत्या से मरने वालों के लिए किया गया किया। 169 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्टेलोन ने डोनाल्ड ट्रंप को डिकेंसियन चरित्र और जीवन से बड़ा बताया लेकिन रिपब्लिकन प्राइमरीज में ट्रंप या किसी और का समर्थन नहीं किया एक उसी वर्ष उन्होंने दिग्गजों से संबंधित मुद्दों पर काम करने की इच्छा का हवाला देते हुए कला के लिए राष्ट्रीय बंदोबस्ती का अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया 170 2023 में स्टेलोन ने एरिजोना में स्वतंत्र सीनेटर किस्टन सिनेमा के पुनः चुनाव अभियान के लिए 11,600 डॉलर का दान दिया एक उस वर्ष बाद में उन्होंने और उनके परिवार ने वेटिकन में एक निजी बैठक में पोप फ़्रांसिस के साथ समय बिताया 172. हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टेलोन का सितारा अभिनय श्रेय और प्रशंसा मुख्य लेख सिल्वेस्टर स्टेलोन फिल्मोग्राफी और सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची अपने करियर के दौरान स्टेलोन को तीन नामांकनों में से एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक क्रिटिक्स च्वाइस मूवी अवार्ड एक पीपुल्स च्वाइस अवार्ड और सीजर अवार्ड्स डेविड डी डोनाटेलो और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं तीन अकादमी पुरस्कारों और दो बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकन के रूप में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर सितारा उन्नीस सौ चौरासी इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम 2010 की कक्षा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार क्रीड के लिए मोशन पिक्चर 2016 सिनाई मेडिकल सेंटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से हार्ट ऑफ हॉलीवुड अवार्ड 2016-17। डैन गॉर्डन हिब्रू जन्म 5 मई उन्नीस एक इजरायली अमेरिकी पटकथा लेखक टेलीविजन लेखक टेलीविजन निर्माता टेलीविजन निर्देशक फिल्म निर्माता उपन्यासकार नाटककार फिल्म निर्देशक और इजरायल रक्षा बलों में रिजर्व ड्यूटी कप्तान हैं एक पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने व्याट ईयर्प पैसेंजर सत्तावन मर्डर इन द फर्स्ट और द हरिकेन सहित फिल्में लिखी हैं और रेम्बो लास्ट ब्लड के लिए कहानी विकसित की है एक वह 200 घंटे से अधिक टेलीविजन के निर्माता पटकथा लेखक और कहानी संपादक रहे हैं जिनमें हाईवे टू हेवन हाईलैंडर और सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून इंक शामिल हैं दो उन्होंने टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट और मैन के मंच रूपांतरण भी लिखे हैं तीन चार और उनकी पटकथाओं के साथ साथ गाजा युद्ध में लड़ने के उनके अपने अनुभवों पर आधारित उपन्यास फाइव जीवनी प्रारंभिक जीवन डैन गॉर्डन का जन्म दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक यहूदी परिवार में हुआ था वह बेल गार्डन सीए में पलेब्ढे और 16 साल की उम्र में इसराइल चले गए जहां उन्होंने गिनेगर किबुत्स में हाई स्कूल में पढ़ाई की पांच छ हाई स्कूल के बाद वह दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया लौट आए और एक फ़िल्म और टेलीविज़न प्रमुख के रूप में यूसीएलए में स्थानांतरित होने से पहले एक साल के लिए ईस्ट एले जूनियर कॉलेज में अध्ययन किया सेवन फ़िल्म और टेलीविज़न करियर यूसीएलए में रहते हुए डैन ने अपना लिखा एक अभिनय नाटक वंस आई वाज को यूनिवर्सल स्टूडियो में एक फ़िल्म के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने उसे एक लेखक के रूप में नियुक्त किया लेकिन स्टूडियो के अध्यक्ष ल्यू वास्त्रमैन ने उन्हें कार्यालय की आपूर्ति चुराने के आरोप में निकाल दिया था सेवन उन्नीस में गॉर्डन ने अपनी लिखी पटकथा पर आधारित फिल्म पोटलक का निर्देशन शुरू किया उन्होंने फिल्म परमिट प्राप्त किए बिना न्यूयॉर्क में गुरिल्ला शैली में फिल्म की शूटिंग की जैसा कि गॉर्डन को जल्द ही पता चला फिल्म के स्वतंत्र फाइनेंसर माफिया से जुड़े हुए थे हालांकि फिल्म अपने एक लाख डॉलर बजट के अंतर्गत आ रही थी उन्होंने दावा किया कि वित्तपोषण समाप्त हो गया था गॉर्डन और उनके सहयोगियों ने फ़िल्म को पूरा करने के लिए धन जुटाने की कोशिश की लेकिन माफिया चाहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग योजना के तहत फ़िल्म विफल हो जाए फ़िल्म कभी खत्म नहीं हुई सेवन माफ़िया के डर से पोटलक बनाने की कोशिश के नतीजे के कारण गॉर्डन इज़राइल भाग गए जहां उन्होंने इसराइली सेना में सेवा की वहां रहते हुए उन्होंने कैंसर सिटी आर एंड बी बैंड ब्लडस्टोन अभिनीत 1975 के पॉप म्यूजिकल ट्रेन राइड टू हॉलीवुड के लिए पटकथा लिखी हालांकि फिल्मांकन से पहले इसे फिर से लिखने के लिए वह कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए आठ एक दशक से अधिक समय के बाद गॉर्डन 1980 के दशक की शुरुआत में अपने पटकथा लेखन करियर को जारी रखने के लिए हॉलीवुड लौट आए सेवन गॉर्डन को टीवी शो हाईवे टू हेवन एक हजार नौ सौ चौरासी से अट्ठासी के लिए मुख्य लेखक के रूप में नियुक्त किया गया था जिसके लिए उन्होंने तीन एपिसोड का निर्देशन भी किया था वह फिल्म और टेलीविजन दोनों के लिए, लिए लिखना चाहते थे जो उस समय असामान्य था साथ गॉर्डन ने पैसेंजर सत्तावन उन्नीस सौ बानवे वाइट यर्प उन्नीस सौ चौरानवे मर्डर इन द फर्स्ट उन्नीस सौ पंचानवे द असाइनमेंट उन्नीस सौ सत्तानवे और द हरिकेन उन्नीस सहित कई पटकथाएं लिखीं 6. गॉर्डन के सबसे हालिया काम में रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 के लिए स्टोरी बाय क्रेडिट शामिल है वन उनके नाटक इरेनाज वॉव का प्रीमियर सितंबर 2008 में बारूक परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर न्यूयॉर्क में हुआ तोवा फेल्डसुह अभिनीत यह इरेना गट की सच्ची कहानी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बारह यहूदियों को एक तखाने में छिपा दिया था नौ यह नाटक ब्रॉडवे पर वाल्टर केयर थिएटर में 10 मार्च 2009 से शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 29 मार्च 2009 को ऑफ ब्रॉडवे के समान कलाकारों के साथ पूर्वावलोकन में शुरू हुआ 10. बेरी मोरो के रेन मैन के उनके मंच रूपांतरण का प्रीमियर 2009 में लंदन के वेस्ट एंड में अपोलो थिएटर में हुआ और बाद में प्राग चेक गणराज्य स्टटगार्ट जर्मनी ब्रुसेल्स बेल्जियम और यूट्रेक्ट नीदरलैंड में प्रदर्शन किया गया जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट जेटजीआई गॉर्डन्स की गॉर्डन इंस्टीट्यूट जेटजीआई के संस्थापक हैं जो सेडोना एरिजोना में एक फिल्म स्कूल है संस्थान का नाम उनके सबसे बड़े बेटे जकी गॉर्डन के नाम पर रखा गया है जिनकी उन्नीस सौ अट्ठानवे में बाईस वर्ष की आयु में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी गॉर्डन संस्थान में अंशकालिक पढ़ाते थे वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स और यूसीएलए स्कूल ऑफ थिएटर फिल्म और टेलीविजन में भी पढ़ाते हैं ग्यारह जहां वह अपने बेटे के सम्मान में पटकथा लेखन के छात्रों को वार्षिक पांच हजार डॉलर का पुरस्कार दान करते हैं ठुआल्व दो हजार ग्यारह में लिबर्टी यूनिवर्सिटी में जकी गार्डन सेंटर फॉर सिनेमैटिक आर्ट्स की स्थापना करने के बाद दो में उन्होंने जकी गार्डन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया तेरह गॉर्डन के जाने के बाद एरिजोना में जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट ने अपना नाम बदलकर सेडोना फिल्म स्कूल कर लिया चौदह गॉर्डन टिम बकले के भी करीबी दोस्त थे उन्होंने उनके साथ फुली एयर कंडीशन इनसाइड नामक एक अनफिल्टर्ड फिल्म स्क्रिप्ट पर सहयोग किया था पंद्रह, उन्होंने स्वतंत्र फिल्म में एक बेघर व्यक्ति की भूमिका भी निभाई वेटिंग फॉर मो उन्नीस जिसे उन्होंने अपने बेटे स्की के साथ निर्मित किया जिसने फिल्म लिखी और निर्देशित की वह उन्नीस से डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य रहे हैं सैन्य कैरियर गॉर्डन 1970 के दशक की शुरुआत में इजरायली सेना में शामिल हुए उन्होंने लगभग एक दशक तक सेवा की जिसमें उन्नीस का योम किप्पुर युद्ध भी शामिल था सेवन उन्होंने 2006 के इसराय लिबनान संघर्ष के दौरान सैन्य प्रवक्ता इकाई में एक एस्कॉर्ट अधिकारी के रूप में कार्य किया सिक्सटीन वह इज़राइल रक्षा बल रिज़र्व में एक कप्तान है। व्यक्तिगत जीवन गॉर्डन ने अपनी पत्नी जोएन से तब शादी की जब वह इज़राइल में था और उन्नीस में उनका तलाक हो गया उनके तीन बेटे जकी योनी और एडम हैं उनके सबसे बड़े जकी की उन्नीस में 22 साल की उम्र में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई 2019 की गर्मियों के दौरान गॉर्डन ने एक छोटे से निजी समारोह में रोम में लिया डेनमार्क से शादी की डेविड मोरेल जन्म चौबीस अप्रैल उन्नीस एक कनाडा अमेरिकी लेखक है जिनका पहला उपन्यास उन्नीस में आया था फर्स्ट ब्लड जिसे बाद में उन्नीस में इसी नाम की फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया जिसने सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत सफल रेम्बो फ्रेंचाइजी को जन्म दिया एक उन्होंने 28 उपन्यास लिखे हैं और उनके काम का तीस भाषाओं में अनुवाद किया गया है दो उन्होंने 2007 से 2008 कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक मिनिस्ट्रीज द चोजेन भी लिखी प्रारंभिक जीवन मोरेल का जन्म 24 अप्रैल 1943 को किचनर ओंटारियो कनाडा में हुआ था वह बीट्राइस एक अस्बाब वाला और जॉर्ज मोरेल, एक रॉयल नेवी उड़ाका के पुत्र थे तीन क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला रूट छियासठ में लेखन से प्रेरित होने के बाद उन्होंने सत्रह साल की उम्र में लेखक बनने का फ़ैसला किया एक उन्नीस में मॉरेल ने सेंट जेरोम विश्वविद्यालय वाटरलू विश्वविद्यालय से संबद्ध से अंग्रेजी में बीए की उपाधि प्राप्त की और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हेमिंगवे विद्वान फिलिप यंग के साथ अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्होंने अंत एमए की उपाधि प्राप्त की और पीएच डॉट डी अमेरिकी साहित्य में वन कैरियर पेन स्टेट में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात विज्ञान कथा लेखक फिलिप क्लास से हुई जो छद्म नाम विलियम टेन से बेहतर जाने जाते थे जिन्होंने कथा लेखन की मूल बातें सिखाई दो मोरेल ने 1970 में आयोवा विश्वविद्यालय में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया उन्नीस में उनका उपन्यास फर्स्ट ब्लड प्रकाशित हुआ अंत इसे उन्नीस में इसी नाम की फिल्म में बनाया गया जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने वियतनाम के दिग्गज जॉन रेम्बो की भूमिका निभाई थी एक मॉरेल ने कई अन्य उपन्यास लिखना जारी रखा जिनमें द ब्रदरहुड ऑफ द रोज भी शामिल है जो उपन्यासों की त्रय में पहला है जिसे उन्नीस में रॉबर्ट मिचम अभिनीत एनबीसी लघु श्रृंखला में रूपांतरित किया गया था पूर्णकालिक लेखन के लिए उन्होंने उन्नीस में विश्वविद्यालय में अपना कार्यकाल छोड़ दिया दो उन्नीस में उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हॉरर राइटर्स एसोसिएशन पुरस्कार मिला नारंगी पीरा के लिए है नीला पागलपन के लिए है फोर मॉरेल के स्रोत उपन्यास के अंत में जॉन रेम्बो के मारे जाने के बावजूद मॉरेल ने रेम्बो फर्स्ट ब्लड टू का उपन्यासीकरण लिखा और प्रस्तावना में बताया कि वह चरित्र को वापस जीवंत कर रहे थे मॉरेल इंटरनेशनल थ्रिलर राइटर्स संगठन के सहाध्यक्ष हैं व्यक्तिगत जीवन मॉरेल के किशोर बेटे मैथ्यू की उन्नीस में हड्डी के कैंसर के एक दुर्लभ रूप इविंग सार्कोमा से मृत्यु हो गई 2009 में उनकी पोती की भी इसी प्रकार के कैंसर से मृत्यु हो गई उनके नुकसान के आघात ने मॉरेल के काम को प्रभावित किया विशेष रूप से मैथ्यू फायरफ्लाइज के बारे में उनके रचनात्मक कथा संस्मरण में मॉरेल के उपन्यास डेस्परेट मीज का नायक भी एक बेटे के खोने का अनुभव करता है Two. मोरेल जंगल में जीवित रहने के लिए नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल के साथ साथ जी गॉर्डन लिड्डी एकेडमी ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी से स्नातक हैं वह स्पेशल ऑपरेशंस एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के मानद आजीवन सदस्य भी हैं उनकी वेबसाइट के अनुसार उन्हें आग्नेस्त्रो को, को संभालने संकट से निपटने पहचान संभालने कार्यकारी सुरक्षा और रक्षात्मक ड्राइविंग के अलावा कई अन्य कार्य कौशल के लिए प्रशिक्षित किया गया है जिसका वर्णन उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। उन्होंने अपने 2009 के उपन्यास दश्म के शोध के हिस्से के रूप में स्वयं के छोटे विमान को चलाने के लिए एफ लाइसेंस प्राप्त किया लेकिन मेकर्स द्वारा अगला सौ तिरानवे में बताया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताई चुका हूँ लाइक में चैनल को सब्सक्राइबल दो हजार नौ का अगले वीडियो में